भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। 29 जून 2023 और ईद उल अधा का बड़ा मौका, और आज हमारे बूंदी शहर के अंदर बड़ी अमन और चैन से ईद की नमाज अदा हुई है। तो हमारे हजरत यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं ज्यादा वक्त खराब नहीं करके, ज्यादा अपने मुंह से तारुफ नहीं देके, सबसे पहले तो एक बार मैं इनके आपको दीदार करवा देता हूँ, और उसके बाद में मैं दुआ सलाम करूंगा। ये देखिए, ये है हमारा बूंदी शहर, हमारे अजीमुशान शख्सियतें, और इनकी तरफ से आज जो गोल्डन वर्ड्स आपको मिलेंगे वो दी बेस्ट होंगे। तो मैं आता हूँ सबसे पहले हमारे हजरत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज अवाम के लिए कोई ऐसे गोल्डन वर्ड्स बोल दीजिए जो लोग कह उठे कि वाह नदीम साहब, वाह नदीम साहब, वाह नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। आज के लिए चंद अल्फाज यही कि कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती है, लेकिन साथ ही साथ बंदों की सफाई का ख्याल रखें, अपने आसपास गंदगी न फैलाएं। आपकी कुर्बानी से किसी को अगर तकलीफ होती है तो बेशक वो कुर्बानी बेकार है, इसलिए किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करें, अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी हजरत। और कोई हजरत दो बोल बोलना चाहें? और कोई हजरत जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो यार, अच्छा बोल दो, बोलो क्या बोलो, बोलो बोलो, चलो चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद उल अधा के तखवे के दिन बूंदी शहर में आवाम के लिए आपको क्या कहना है? भाई मेरा तो फिलहाल सलाम पेश करता हूँ। जी 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 जी, और तमाम मेरे जो मुसलमान भाई हैं जी, क्या इन सबको अल्लाह ताला मोहब्बत में रखे, मोहब्बत से रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए